हाथ लगा रही है, जो इतने दिन से ट्रांसफर तैयार कर रही थी, बारिश का इंतजार कर रही थी कि दिल्ली में बारिश आए, और इसलिए देखो हमने एक टोल भी किया हुआ है, टोल पे लगाएंगे ये छोटा सा मटके का टूटा हुआ ढक्कन, जिससे कि हमारा ड्रेनेज अच्छा बना रहे, और मिट्टी हमने बना के रख रखी थी, बारिश में भीग देंगे, लेकिन फिर भी हम इतनी मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं भीगी है, बारिश में भीगने के बाद पौधे ऐसे भी अच्छे बनते हैं। इसमें कोको पीट सारी चीज़ मैंने मिला के रखी हुई है, वर्मी कंपोस्ट, कोको पीट और रेन, क्योंकि ये हल्का रखना हमें, तो इसीलिए हमें इसमें मिट्टी कम मिलाई है, और इसमें लगाएंगे हम मनी प्लांट की कटिंग। मनी प्लांट में ये नोट बनी हुई होती है, इस नोट के साथ आप एक एक पत्ते की कटिंग कर सकते हैं, ऐसे हर नोट के साथ कटिंग का पत्ते में निकली हुई है जड़, और जड़ के साथ हमारा पौधा तैयार होता है। हमने इसमें बोतल में मिट्टी भर ली है अच्छी तरीके से दोनों तरफ, अब इसमें हम ये मनी प्लांट की कटिंग लगा देंगे, इसमें भी दोनों होता है, ये एक एक नोट करके हम लगाएंगे, तो ये भी मनी प्लांट हमारी एक पत्ते से मनी प्लांट तैयार होगा। स्टार से रोक लो, ये हमने कटिंग ली थी सफ़ेद सदाबहार की और पर्पल सदाबहार की, इसकी हम नीचे से पत्ते हटा देंगे ऐसे, और ये एक फूल लगा रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें फोल हमने इसे फोल किया फूल, और ये इसमें हमने लगा दी मन, इसमें दो एक पर्पल लगाएंगे, बाद में हम इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे, दो तीन दिन हम इसको शेड में ही रखेंगे। छोटी छोटी नाइट सब सब में जड़ है, ठीक पत्ते में जड़ है, इसके भी नीचे से वही करेंगे, पत्ते हटा देंगे और इसमें लगा इसी तरह से होल में पत्थर लगाया दोनों गुद्दा में, इसमें भी और इसमें भी, इसमें लगाएंगे हम पर्पल हार्ट,
पानी भर गया है, या तो आप इसको टेढ़ा करके निकाल दें ऐसे करके, क्योंकि और वाटरिंग से भी पौधे खराब हो जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं अपने में, देखो बारिश में पौधे कितने खुश हो जाते हैं, किसी और गमले में भी ऊपर सब गमले में पैक करके आते हैं। वैसे कि मैंने ड्रेनेज को बहुत अच्छे बनाया है, पानी कितने जल्दी जाने लगा। इस डंडी से हमने होल किया तो ये जो रुका हुआ पानी है फटाफट कम हो गया, ये देखो ड्रेनेज खुल जाते हैं इससे, पानी नहीं रुका और बहुत सुंदर फ्लावर दृश्य बन गया है। आज सावन की पहली बारिश है, सावन लग गया और भोले जी को इसकी फूल की माला बना के बनाया जाए, सफ़ेद आँख की माला, तो भोले जी को बहुत प्रिय है ये सफ़ेद आँख के फूल। इसका बस एक ही है कि बच्चों को आँखों से बचाए, क्योंकि इसका दूध जो होता है वो आँखों के लिए नुकसानकारक होता है, इसलिए बच्चों से दूर रखें। और भोले जी इस तो बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारा किसी में नहीं खड़ा, ये भूमि आंवला ये अपने आप उग जाता है। और लेकिन इसमें मैं दिखाऊं तो ये पीछे देखो छोटे छोटे आंवले जैसे, इसका नाम भूमि आंवला क्यों पड़ा, ये छोटे छोटे से आंवले जैसे लग रहे हैं तो इसलिए इसका नाम भूमि आंवला पड़ा। ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, सुबह सुबह खाली पेट इसकी पत्तियों को तोड़ के खा लिया जाए, थोड़ा हल्का सा तलकाया स्वाद होता है इसका, लेकिन खा लो तो बहुत अच्छी होता है कि कितना भी लीवर आपका डिमेज हो तो वो लीवर ठीक हो जाता है। बाकी हमारे सारे पौधों के ड्रेनेज होल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम समय समय पर ध्यान रखते हैं। अब दो पौधे, दो गुलाब हमारे गर्मी के कारण सूख गए थे, एक गुलाब तो हरा होने लगा है, एक गुलाब तो हरा होने लगा है, इसलिए बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत हो जाती है। ये देखो कितनी खरपतवार हो जाती है, ये वाली घास को इतनी हो जाती है, कितना इसको निकालो। ये हमारा धतूरा है, सावन आ गया है, सावन में भोले जी को ही धतूरे का भी बहुत अच्छा है, इसमें फूल भी नहीं आए हैं अभी, और एक बीज आता है वो बीज भी चढ़ाते हैं, तो आपकी मनोकामना जो भी कुछ होती है तो पूर्ण हो जाती है। चलो अभी आ जाएंगे, मौसम दिल्ली का काफ़ी ख़राब था, थोड़ा सा खुशहाल हुआ है मौसम तो ये सब आ जाएगा। ये मेरी सेम की बेल, इनको भी हम जल्दी ही ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह देंगे, ये अभी इनको ऊपर चढ़ने के लिए स्पेस देंगे। ये हमारी चकई की बेल है, ये भी अब इनको भी वो करेंगे हम, उसमें मेरे घिया उगाया हुआ है, ये घिया है एक सेम यहाँ भी हो गई है, इसके लिए अभी मचान बनाएंगे हम कल। और इसमें भी देखो भूमि आंवला अपने आप जम जाता है, ये जो भूमि आंवला है आप लोग भी उखाड़ के खा देते हैं और मेरे को भी उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि ये पौधों की एनर्जी वेस्ट करता है, पर जब आपको ज़रूरत हो तो इसके लिए एक गमला अलग से रखिए भूमि आंवले के लिए। ये मेरी कलरफुल है, सारे 9 बजे पिंक कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है, मर्जेंटा कलर है, इसमें सभी तरह के कलर है, इसमें पर्सलिन भी है, साथ साथ में पर्सलिन भी है, अभी बारिश आई थी तो सारे फूल भूस गए हैं। तो मिर्ची का पौधा, मिर्ची में भी फ्लावर आने लगे हैं,
और देखो सभी मेरे पौधों का ड्रेनेज बहुत अच्छा है, एक गमले दो गमले को छोड़ के कहीं पानी नहीं होता। दोस्तों दादी माँ की गार्डन कैसे लगी, और दिल्ली वालों को काफ़ी राहत मिली आज की बारिश से। आज का मौसम ठंडा होने से काफ़ी गर्मी हो रही थी, एसी फेल हो रहे थे, आज मन करा तो मैंने भी बारिश में नहा के बड़े मस्ती की है। वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।